हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, ऑल आर स्टेइंग हेल्दी एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नाउ चैप्टर नंबर 9, वी हेल्प अनदर एंड ओपन पेज नंबर 197 एंड 190, लेसन नंबर 9, डब्ल्यू ई वी एच ई एल पी हेल्प ओ एन ई वन ई ए एन ओ टी एच ई आर अनदर। वी हेल्प वन ऑन अदर, वी हेल्प वन ऑन अदर। सो स्टूडेंट्स, वी हेल्प वन ऑन अदर यानी कि एक दूसरे की मदद करना। सो व्हाट डू यू मीन वी हेल्प वन अदर, है ना? व्हाट डू यू मीन वी हेल्प अनदर? इट मीन्स वी हेल्पिंग ईच अदर। सो इन अ फैमिली वेयर लाइक अ पेरेंट्स एंड मैनी अदर्स, है ना? सो यू लिव इन फैमिली ना, सो मैनी पेरेंट्स, है ना, मैनी पीपल एंड मैनी अदर्स यू हेल्प अस। सो पीपल एंड सो इन अ पीपल फैमिली हेल्प ईच अदर एंड वी शेयर वर्क्स एट होम। सो वी शेयर वर्क एट होम। आप अपने घर पे अपना जो भी वर्क होता है वो आप हेल्प करते हो ना। सो स्टूडेंट, वी हेल्प वन अनदर। स्टूडेंट लुक एट दिस, दिस इज अ पिक्चर एंड दिस इज अ रोहन एंड दिस हिज पेरेंट्स फादर एंड मदर। रोहन से पी ए पी पापा, एल ई टी लेट, एम ई मी एच ई एल पी हेल्प, वाई ओ यू सी ए डबल आर वाई कैरी टी एच ए द पी ए सी के ई टी एस पैकेट्स। पापा लेट मी हेल्प यू कैरी द पैकेट्स। रोहन से हिज फादर, पापा लेट हेल्प मी कैरी थिंग्स, ये जो पैकेट है वो उठाने में आपको हेल्प करूँ। टी एच एन के वाई ओ यू आर ओ एच एन रोहन। थैंक यू रोहन, हिज फादर से थैंक यू रोहन, बट नो, क्या बोलते हैं कि नो थैंक यू रोहन, नहीं मैं कर लूँगा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हेल्पिंग वन ऑन अदर। हेल्पिंग वन ऑन अदर, एच ई एल पी आई एन जी हेल्पिंग ओ एनी वन एन ओ टी एच ई आर अदर। हेल्पिंग वन ऑन अदर, एक दूसरे की हेल्प करना। पी ई ओ पी एल ई पीपल आई एन इन अ एफ ए एम आई एल वाई फैमिली एच ई एल पी हेल्प ओ एनी वन ए एन ओ टी एच ई आर अन अदर। टी एच ई दे एस एच ए आर ई शेयर टी एच ई ध डब्ल्यू ओ आर की वर्क ए टी एट एच ओ एम ई होम। पीपल इन अ फैमिली हेल्प वन ऑन अदर, दे शेयर द वर्क एट होम, है ना? बोथ आर गेटिंग बोथ आर टूगेदर लिव इन फैमिली लिव इन हाउस। सो पीपल इन अ फैमिली हेल्प वन अदर, हम फैमिली में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। सो दे शेयर वर्क, जो हमें फैमिली में हमारे घर में हाउस में जो भी वर्क होता है वो हम शेयर कर लेते हैं ना। एक वन पर्सन वन काम नहीं करता, जो बहुत बड़ा काम होता है वो हम क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। एफ ए टी एच ई आर फादर डब्ल्यू आर के एस वर्क्स आई एन इन ए एन ऑफिस ए एन एन ओ डबल एफ आई सी ऑफिस एच ई बी आर आई एन जी एस ब्रिंग्स टी एच आई एन थिंग्स एफ आर ओ एम फ्रॉम टी एच ई द एम ए आर के ई टी मार्केट एच ई ही एस ओ एम ई टी आई एम ई एस समटाइम्स एच ई एल पी एस हेल्प एम ओ टी एच ई आर मदर आई एन इन टी एच ई द के आई टी सी एच ई एन किचन टी डबल ओ टू व्हाट्स ए फादर वर्क्स इन एन ऑफिस ही ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट ही समटाइम्स हेल्प मदर इन द किचन टू, है ना? व्हाट्स ए फादर वर्क्स इन ऑफिस, है ना? सो फादर वर्क्स इन ऑफिस, है ना? योर फादर मे बी बिजनेसमैन, योर फादर मे बी इन बिजनेसमैन एंड फादर मे बी इन सर्विसमैन, है ना? सो सम स्टूडेंट्स फादर बिजनेसमैन, सम स्टूडेंट फादर इज सर्विसमैन एंड सम फादर गो टू स्कूल कॉलेज एंड अदर साइड फॉर अदर साइड वर्क्स, है ना? कितने स्टूडेंट्स होते हैं जिसके फादर बिजनेस करते हैं,
कितने के फादर सर्विस करते हैं और कितने के फादर बाहर जाते हैं आउट ऑफ वर्क करने के लिए. समटाइम हेल्प मार्केट इन द समटाइम्स हेल्प्स मदर इन द किचन. और फादर जब घर पे आते हैं तो मम्मी को भी हेल्प करते हैं और आपके लिए ही ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेके आते हैं, जैसे लाइक चॉकलेट, आइसक्रीम, आपके लिए कुछ भी नमकीन जो आपको आप लाइक करते हो. तो फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, ही ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. ही समटाइम्स हेल्प्स मदर इन द किचन टू. फादर सर्विस भी करते हैं, आपके लिए थिंग्स भी लाते हो और कभी कभी आपकी मदर को, माता को किचन में हेल्प भी करते हैं. MOTHER मदर, COOKS कुक्स, FOOD फूड, ANDE एंड, KEEPS गिप्स, THE द, HOUSE हाउस, CLEAN क्लीन, SHEC TAKES टेक्स, CARE केयर, OF ऑफ, OUR अवर एंड, EDS नीड्स, SOME सम, MOTHER मदर, GOGO TO2 OFFICE ऑफिस, TOO मदर कुक्स फूड एंड कीप्स द हाउस क्लीन, सी टेक्स केयर ऑफ आवर नीड्स, सम मदर्स गो टू ऑफिस टू. है ना स्टूडेंट्स, सम मदर गोज टू आउटसाइड फॉर वर्क एंड ऑल्सो मदर्स कुक फॉर अस. सी कीप्स हाउस क्लीन, द टेक्स केयर हर एंड सी केयर ऑफ आवर नीड्स. मदर क्या करती है, सी मदर कुक फूड्स, कीप्स द हाउस. वो हमारे लिए फूड आपके लिए अच्छा स्टेटसी फूड आपके लिए वो कुक करती है. एंड कीप द हाउस क्लीन, और हाउस को जो आपका हमारा हाउस आपका हाउस होता है उसको भी वो क्लीन करती है. सी टेक्स केयर ऑफ अवर नीड्स. अवर नीड्स मीन्स आपकी जितनी भी ज़रूरत होती है, खाना पीना आपकी हेल्थ के लेके, तो वो भी मम्मी आपका नीड्स पूरी करती है और ख्याल रखती है. समटाइम्स मदर गो टू ऑफिस, और कितनी की मम्मी ऐसी होती है जो बाहर जॉब के लिए भी जाती है. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेरेंट्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली. पेरेंट्स लुक जो आपकी ज़रूरत को देखते हैं, पेरेंट्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली, जो फैमिली की ज़रूरत को भी ध्यान रखते हैं. पेरेंट्स मीन फादर एंड मदर. लुक आफ्टर जो देखते हैं, नीड्स यानी हमारी जो ज़रूरत होती है, ऑफ द फैमिली में PARENTS पेरेंट्स, LOOK लुक, AFTER आफ्टर, THE NEEDS नीड्स, OF ऑफ, THE FAMILY फैमिली. पेरेंट्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली. फैमिली क्या, पेरेंट्स क्या करते हैं आपकी ज़रूरत को देखते हैं. PARENTS पेरेंट्स, HELP हेल्प, CHILDREN चिल्ड्रन, WITHY THEI आर देयर, STUDIES स्टडी. पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन विथ देयर स्टडी. है ना, आप होल डे पढ़ाई करते हो और फिर शाम को घर जाते हो तो आपको होमवर्क कराने में आपकी कौन हेल्प करता है, पेरेंट्स. पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन विद देयर स्टडीज, आपके होमवर्क में आपको पेरेंट्स हेल्प करते हैं. THE द, दे, PLAY, WITS विथ, THEIR देयर, CHILDREN चिल्ड्रन. दे प्ले विथ देयर चिल्ड्रन, वे बच्चों के साथ खेलते भी हैं. पेरेंट्स आपके साथ इंडोर और आउटडोर गेम्स भी प्ले करते हैं. THE दे, READ रीड, STORI स्टोरीज, TO2 THE देम, वे स्टोरी भी सुना रीड करते हैं. है ना, एट नाइट टाइम जब आप स्लीपिंग करने जाते हो तो मम्मी एंड पापा कोई भी एक आपको रीड स्टोरी सुनाता है, वे आपको स्टोरी रीड करके सुनाते हैं. THE दे, ALSO ऑल्सो, TAKE टेक, CARE केयर, OF ऑफ, GRANDE PARENTS ग्रैंड पेरेंट. दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स. है ना, मदर एंड फादर बोथ आर ऑल्सो कैरिंग ग्रैंड
पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मीन आपके दादा दादी होते हैं ना, उनकी भी वो क्या करते हैं देखभाल, वे ग्रैंड पेरेंट्स की भी देखभाल करते हैं। चिल्ड्रन हेल्प द फैमिली इन मैनी वे, चिल्ड्रन हेल्प द फैमिली इन मैनी वे, सी एच आई एल डी आर एन चिल्ड्रन, एच ई एल पी हेल्प, टी एच ई द एफ ए एम आई एल वाई फैमिली आई एन इन एम ए एन वाई मैनी डब्ल्यू ए वाई एस वेज, चिल्ड्रन हेल्प द फैमिली इन मैनी वेज मीन्स बच्चे जो होते हैं वो हमें फैमिली में बहुत सारे जो हमारे काम होते हैं उसमें हमें क्या करते हैं यूज होते हैं, यानी हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सी एच आई एल डी आर इन चिल्ड्रन, एच ई एल पी हेल्प, टी एच ई आई आर देर एम ओ टी एच ई आर मदर आई एन इन टी एच ई द के आई टी सी एच एन किचन, चिल्ड्रन हेल्प देर मदर इन द किचन, बच्चे रसोई में मम्मी की हेल्प करते हैं ना, बहुत सारी हेल्प मम्मी की हम कर सकते हैं, जैसे मम्मी को हम बटर ला के दे सकते हैं, नीफ ला के दे सकते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स, वो मम्मी की जितनी भी नीड्स है वो हम उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। टी एच ई दे एच ई एल पी हेल्प, टी ओ टू के डबल एफ पी किप, टी एच ई द एच ओ यू एस ए हाउस सी एल ई एन क्लीन, दे हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन, है ना। सो स्टूडेंट्स, यू हेल्पिंग योर मदर, आप अपनी मम्मी को हेल्प करते हो तो करनी चाहिए। दे हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन, आपको मम्मी की जो घर में सफाई करती है उसमें आपको हेल्प करनी चाहिए। कैसे, तो प्रॉपर थिंग्स जो आपने ली है वो प्रॉपर जगह पे आपको रखनी, पुट करनी चाहिए। एंड दे हेल्प क्लीन हाउस, घर में जितनी भी जहाँ पे आपने ऐसे तैसे अगर चीज़ें रख दी है तो उस वो चीज़ आप सही करके मम्मी को हेल्प कर सकते हो, घर की क्लीननेस में भी आप मम्मी को हेल्प। दे हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन, वे हमें घर की सफाई में भी हेल्प करते हैं। टी एच ई दे एच ई एल पी एस हेल्प, टी ओ टू सी ए डबल आर वाई कैरी, टी एच आई एन जी एस थिंग्स, दे हेल्प टू कैरी थिंग्स, कैरी थिंग्स मीन अगर बहुत सारी चीज़ें होती है एक जगह तो मम्मी को वो थिंग्स हम इस प्लेस से उस प्लेस पे ले जाने में हम हेल्प करते हैं। कैरी थिंग्स मीन हम थिंग्स को कैरी करके यहाँ से वहाँ ले जाने में मम्मी की हेल्प कर सकते हैं। टी एच ई दे डब्ल्यू ए टी आर वाटर, टी एच ई द पी एल एन टी एस प्लांट्स, दे वाटर द प्लांट्स, है ना। अगर आपके घर में गार्डन हो तो आप वो जो प्लांट्स है उसमें आप वाटर दे सकते हो, तो वाटर द प्लांट्स, वाटर और द प्लांट्स आप उसमें कर सकते हो। टी एच ई दे टी ए के ई टेक सी ए आर ई केयर ओ एफ ऑफ जी यू ई एस टी एस गेस्ट, है ना। दे टेक केयर ऑफ गेस्ट, आप जो घर में मेहमान आते हैं उनकी भी केयर कर सकते हैं। कैसे, दे टेक केयर ऑफ गेस्ट, हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो आप पानी सर्व कर सकते हो, जूस टी कॉफ़ी कुछ भी हो तो आप ट्रे में ले जाके आप सर्व कर सकते हो, वो भी एक तरह की मम्मी को फैमिली को हेल्प होती है। एफ यू एन फन डब्ल्यू आई टी एस विथ एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, फन विथ फैमिली, फन विथ यानी फन यानी बहुत ही हम खुश होते हैं, है ना, हैप्पी होते हैं ना, उसको हम फन कहते हैं। फन विथ फैमिली, हम हमारी फैमिली के साथ बहुत ही ऑलवेज हम हैप्पी ही रहते हैं और बहुत फन यानी कि मस्ती करते हैं वो सब। डब्ल्यू ई वी एच ए वी हैव अ एल ओ टी लॉट ओ एफ ऑफ एफ यू एन फन डब्ल्यू आई टी एच विथ ओ यू आर अवर एफ ए एम ए एल वाई फैमिली, वी हैव अ लॉट ऑफ फन विथ अवर फैमिली, वी हैव अ लॉट ऑफ फन, हम अपनी फैमिली के साथ लॉट ऑफ यानी वेरी बहुत सारा फन हम एन्जॉय कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ फन मीन्स बहुत सारा फन। डब्ल्यू ए वी सी ए एल ई बी आर ए टी सेलिब्रेट एफ ए एस टी आई वी एल फेस्टिवल, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हाँ हम फैमिली के साथ बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, दिवाली होली रमजान क्रिसमस, है ना, मैनी सारे फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल, वो सारे फेस्टिवल हम बहुत एन्जॉय करते, तो वी सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दैट, बहुत सारे जो फेस्टिवल वो हम एन्जॉय फैमिली के साथ करते हैं। डब्ल्यू वी ई ए टी इट
meal meals to together together. We eat meals together. We eat meals. It means खाना food. जो हम सुबह breakfast, lunch, dinner वो हम family के साथ एक ही table पर या एक ही जगह बैठ के वो eat meals together. एक साथ मिल के हम वो share करते हो और उसमें भी हमें खुशी मिलती है. W E V G O F O R for picnic. picnic. We go for picnic. है ना? वीक में संडे आता है तो वी गो फॉर अ पिकनिक. हम पिकनिक प्लानिंग करते हैं तो वो किसके साथ? फैमिली के साथ. और वहाँ पे भी हम लॉट्स ऑफ एंजॉय करते हैं तो वी गो फॉर पिकनिक. हम पिकनिक पे जाते हैं. वी हमें कहाँ पे ले जाते हैं? पिकनिक पे. डब्ल्यू ई वी डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच एम ओ वी आई एस मूवीज. वी वॉच मूवीज. वो हम क्या करते हैं तो जब संडे होता है या कुछ भी स्पेशल डे तो हम बाहर भी जाते हैं. वी वॉच मूवी. हम एक साथ क्या देखते हैं? मूवी. है ना? यू लाइक मूवी ना? बहुत सारी मूवीज़ जो हमें लाइक होती है वो हम फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं. डब्ल्यू वी डब्ल्यू वी आई एस आई टी विजिट आर ई एल ए टी आई वी ई एस रिलेटिव. वी विजिट रिलेटिव्स. है ना? एन्जॉय मोमेंट्स. वी विजिट रिलेटिव्स. मासी बुआ मामा के घर हम जाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव्स होते हैं. तो हमें क्या फील होता है? बहुत हैप्पीनेस. तो वी विजिट रिलेटिव्स. है ना? तो हम रिलेटिव्स के वहाँ भी हम विजिट यानी मुलाकात लेते हैं. डब्ल्यू ई वी सी ई एल ई बी आर ए टी सेलिब्रेट एस पी ई सी आई एल स्पेशल डी ए वाई डे. वी सेलिब्रेट स्पेशल डे. है ना? सेलिब्रेट स्पेशल डे लाइक दैट बर्थडे फादर मदर एनिवर्सरी. है ना? ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एनिवर्सरी एंड ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बर्थडे. तो वी एन्जॉय एंड सेलिब्रेट स्पेशल डे. तो वो सारे स्पेशल डे हम क्या करते हैं? एक साथ फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट. कैसे करते हैं? तो केक काटते हैं और नाइस फूड मम्मी कुक करती है. तो वो सारे जो स्पेशल डे होते हैं उसमें हम लॉट्स ऑफ एन्जॉय करते हैं. डब्ल्यू वी पी ए एल ए वाई प्ले जी ए एम ई एस गेम. वी प्ले गेम्स. वी प्ले हम एक साथ मिलके क्या करते हैं? गेम करते हैं. वी प्ले गेम. एक साथ मिलके हम गेम खेलते हैं और गेम भी कौन सी होती है? इंडोर और आउटडोर. सो स्टूडेंट्स टूडे वी लर्न वी हेल्प वन अदर. सो स्टूडेंट यू ऑलवेज रिमेंबर के हेल्प वन अनदर. वो आप किस में कर सकते हो? अपने फैमिली के साथ अपने पेरेंट्स के साथ. ये सारे जो हेल्पिंग है वो फैमिली इन मैनी वेज. तो बहुत सारी उसमें आप पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं और पेरेंट्स के साथ आप फन भी एंजॉय कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स यू कीप प्रैक्टिस एट होम. थैंक यू.